हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक सतर्क करने वाला हूँ। और दरअसल मैं अगर मेरे अंदर मतलब ज़रा सा भी सेंस नहीं होता तो मैं इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ा झटका खाने वाला था, लेकिन मैं बाल बाल बच गए। लेकिन ये भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को आपको जो नॉलेजेबल नहीं होता है तो आप इस वीडियो को शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, ठीक है। मैं क्योंकि मेरे एक फ्रॉड के शिकार से बाल बाल बच। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि मैं बजाज की जो प्रोडक्ट है मैंने वहाँ पे कुछ EMI से कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किया, और कुछ जो है मतलब जो मिसलीडिंग करते हैं, जो ऑनलाइन डेटा चुराते हैं, तो मैंने बजाज को एक ट्वीट किया था कि मेरे को ऐसा इन्फॉर्मेशन जो हेल्प नहीं मिला है, बहुत बैड सर्विस है। मैंने एक ट्वीट किया था और ओपनली वहाँ पर मेरा एक गलती था कि ओपनली मैंने यहाँ पर नंबर मैंशन कर दिया था, ठीक है, जो स्क्रीन शॉट था वो सारी चीज़ मैंने मैंशन कर दिया। लेकिन यहाँ पे किसी जो फ्रॉड्स वगैरह है उसने नंबर उठाया, मेरे को कॉल किया कि भाई साहब आपने तो ऐसा ऐसा मतलब बजाज में कंप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, अभी 4 मिनट पहले ही, तो आपने अभी भूल गए। मैंने वहाँ पे कॉल पे सारे कुछ बात हुई थी, आप लोग को कॉल रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, आप लोग सुन सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी, आप लोग जी किसी भी कॉल पे ऐसा ट्रस्टेड, मेरे को मतलब मालूम है कि ये फ्रॉड कर रहा है, इसलिए मैं सारे इन्फॉर्मेशन ऐसी गलत मतलब जो एंड में जो कोड बताया वो गलत बताया मैंने, क्योंकि मेरे को 100% पता था ये कि मिस इन्फॉर्मेशन है और ये गलत है, क्योंकि बजाज की तरफ से ऐसा कभी इन्फॉर्मेशन दे मतलब लेता ही नहीं है, ठीक है। जो मतलब क्विक टीम सपोर्ट वगैरह वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। बेसिकली जो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा था वो एक टीम व्यूअर है, पे बहुत लोगों को पता है। बेसिकली फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, बेसिकली उसको एक हैकिंग भी कह सकते हो, एक फिशिंग है बेसिकली। अपने फ़ोन को सारे कंट्रोल से ना वो अपनी मेरे नंबर भी चेंज कर सकते हैं इसी के अंदर, क्योंकि वो नंबर डालेंगे, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो मेरा नंबर चेंज करेंगे तो मतलब पूरा उड़ गया ना, मतलब सब कुछ उड़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, आप लोगों को ये सब चीज़ों से बच कर रहना चाहिए। और कॉल रिकॉर्डिंग में क्या क्या बात हुई थी आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ठीक है। और आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो आपके दोस्तों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए यूज़फुल हो सकता है, तो डेफिनेटली शेयर करना तो बनता है, ठीक है। देखते रहिए। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे सर? आपने बजाज फाइनेंस में कंप्लेन की तो उसकी रिकॉर्डिंग कॉल किए गए, बताएंगे सर क्या इशू है सर आपको? हाँ मैंने कंप्लेन कब किया था? अरे सर आपने नंबर डाले, कंप्लेन किए बोल रहे कब किए थे? नहीं, इन्फॉर्मेशन आपको तो कहीं से भी तो मिले होगी ना आपको। अभी 4 मिनट हुआ है आपने कंप्लेन डाले, ठीक है, हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? ट्विटर पे? हाँ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। हाँ तो इतना आकड़ दिखा के क्यों बात कर रहे हो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या ऐसा आकड़ दिखा के क्यों बात कर रहे हो? अकड़ नहीं दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कब कंप्लेन डाले हैं। हाँ तो आप लोगों को शर्म नाम की कुछ चीज है आप लोगों को? प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। प्रॉब्लम क्या है, आज कितना दिन पहले से मैंने कंप्लेन किया हो और आप लोग मतलब कितना टाइम से मतलब क्या क्या कर रहे हो आप लोग? 25 मार्च से आप कर रहे हैं, ठीक है सर। 25 मार्च से नहीं सर जी, ट्विटर पे 25 मार्च से होगा आया हो, लेकिन मैं कितना दिन से आप लोग को फिजिकली कॉल पे मैं कंप्लेन कर चुका हूँ, एप्लीकेशन के अंदर भी कंप्लेन कर चुका हूँ। आप लोग को क्या लगता है मजाक कर रहा हूँ? ओके सर बताइए प्रॉब्लम क्या है सर आपका। प्रॉब्लम क्या है, सामान आप लोगों ने गलत प्रोडक्ट दिया है मेरे को, गलत प्रोडक्ट, ये सामान अच्छा नहीं है, खराब है, तो सामान को रिटर्न करो या रिप्लेस करो, यही तो मांग कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग को कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बोलते हैं कि बार बार ईमेल करो, 3 ईमेल ID पे ईमेल कर चुका हूँ बार बार, 2 बार करके ईमेल कर चुका हूँ, अभी तक तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो आपको सामान नहीं चाहिए है ना सर? सामान क्या, अरे सर जी अगर सामान अच्छा मिला, अगर अच्छा होता तो मैं रख लेता ना, अगर सामान ही अच्छा नहीं है तो मैं कैसे रखूंगा? अगर समझ लो आप मोबाइल एक फोन परचेस किया हो, ये फोन का ये डिस्प्ले कम नहीं कर रहा, तो आप ये फोन रखोगे? नहीं, रखेंगे। तो मेरे साथ ऐसा हो गया ना, मैं गिम्बल परचेस किया हूँ, गिम्बल परचेस क्यों करते हैं? कैमरा को एक स्टेबलाइजेशन रखने के लिए, वो स्टेबल ही नहीं रहता है, तो ओके। उसको काम उसका काम क्या है? तो आपको कोई कॉल नहीं आया था सर? कॉल तो आया, लेकिन आप लोग बार बार बोलते हैं कि ईमेल करो, ईमेल तो मैंने कितनी बार कॉल चुका हूँ मैं, ईमेल कितना बार ईमेल किए सर आप? 2-3 बार ईमेल कर चुका, आप जरा स्क्रीनशॉट चेक कीजिए ना, आपको पता लग जाएगा। ओके 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 सर, तो ये आपको कैंसिल करवाना है ना सर? सर जी कैंसिल हो जाए या मेरे को रिप्लेसमेंट मिल जाए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट भी मेरे को अगर आप लोग रिप्लेस दे सकते हो तो अच्छी बात है, अगर रिटर्न कर सकते हो तो आप लोग रख लीजिए, मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन ये सामान लेके जाओ, ये अच्छा नहीं है। ओके ओके सर, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको अगर रिप्लेस होता है तो आपको रिप्लेस कर देगा, नहीं तो आपको कैंसिल करके रिफंड कर दिया जाएगा सर, कोई इश्यूज नहीं है। आप अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करेंगे सर, प्ले स्टोर आपके पास जो कंपनी का एप्लीकेशन होते हैं बजाज फाइनेंस वॉलेट, आपके पास वॉलेट है सर? हाँ वो है मेरे पास। ओके सर, आप अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कीजिए, प्ले स्टोर। प्ले स्टोर है? हाँ बोलिए। आप वहां पे सर्च करेंगे सर, क्या सर्च करना है?
QUICKSUPPORT, क्विक सपोर्ट सर्च करेंगे सर, क्विक सपोर्ट। क्विक सपोर्ट, हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ क्विक सपोर्ट सर्च है। किए, हाँ क्विक सपोर्ट यहाँ पे आ गया है, बोलिए। हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी, सपोर्ट आया, हाँ हाँ क्विक सपोर्ट आ गया है। उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड किया, एक मिनट, डाउनलोड हो रहा है। हाँ कर लीजिए। हेलो, हाँ जी, डाउनलोड हो रहा है, 74% हो गया है, रुकिए जरा। डाउनलोड हुआ सर? हाँ इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है, एक मिनट। हाँ बोलिए, हो गया है। ओपन कीजिए, एग्री एंड कंटिन्यू कीजिए, उसको डन का ऑप्शन आएगा, डन कीजिए। सेटिंग हाँ डन हो गया का ऑप्शन है, सेटिंग में परमिशन दीजिए, अलाउ परमिशन। है। एक मिनट, ये घूम रहा है। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है सर? ये एक मिनट, एक मिनट, क्या दिखा रहा है सर? एक मिनट, कुछ। सेटिंग में आपने अलाउ परमिशन दी है, सेटिंग में तो हाँ दिया है। यहाँ पे एडन अवेलेबल आएगा, एडन को कैंसिल करना है सर, डाउनलोड नहीं करना है। हाँ अब बताइए क्या करना है। सेंड माय आईडी, आपको सेंड माय आईडी शो कर रहा हूँ, पे आईडी हाँ कर रहा है, कंफर्म कराएंगे सर। हाँ बताना होगा वो आईडी। आईडी बताना, आपको बताइए। हाँ लिखिए, 9 4 6 3 9 4 6 3 8 3 8 3 3 5 3 5 3 0 0। उसके बाद आपको वहां पे इनकमिंग कनेक्शन अलाउ आता है, अलाउ करना है, और स्टार्ट ना होएगा, स्टार्ट ना करना है सर। इनकमिंग ओके। कनेक्शन अलाउ आ रहा है आपको? आईडी नहीं फिर से कंफर्म कराए एक बार, है, आईडी कंफर्म कराएंगे फिर से एक बार। अब जरूर, एक मिनट, ये आईडी चला गया। आपका नेट चल रहा है सर? आईडी हाँ नेट चल रहा है ना। फिर से कंफर्म कराए एक बार। हाँ अब बोलिए जरा। आईडी बताइए फिर से दोबारा। अबे भोसड़ी के, तेरे तेरे बाप बैठा हूँ यहाँ पे, तू जैसा मतलब चूतिया समझ रहा है ना, भोसड़ी के तेरे बाप बैठा हूँ, भोसड़ी के, तू मेरे को मोबाइल को मतलब रिमोट कंट्रोल एक्सेस करना चाहता है।